पढ़ेंगे तभी तो डाउट आएगा, जब पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं डाउट आएगा। तो चले हम शुरू करते हैं आज, पहले अब शुरू करते हैं आज के कोई मोटिवेशनल वर्ड्स। आपके तरफ से कोई बोलना चाहेगा कुछ? हाँ प्लीज। सोचा हुआ नहीं किया हुआ काम आता है, बट जो सोचोगे वही तो करोगे। हाँ ये सोचा हुआ नहीं, फिर बोलो आपने, जो सोचते हैं उसे करो, जो आप तो बोलिए। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है। एग्जीक्यूट द थिंकिंग, एग्जीक्यूट योर थिंकिंग। एग्जीक्यूट योर थिंकिंग इन एक्शन, अपने सोच को कार्य देना, केवल सोच के उसको सोच में ही नहीं रहने देना, सोच को उसे कार्य रूप देना। अच्छा है, वेरी गुड, क्योंकि बिना सोचे आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो सोचते हैं उसको जरूर कार्य रूप में परिणित करने की कोशिश करिए, तभी वो कुछ सकारात्मक फल देगा आपको, नहीं तो फिर वो निष्क्रिय हो जाएगा। चलिए आज हम इसी को रखते हैं, आज हम शुरू करते हैं। मैंने शुरू किया था पिछले लेसन में, हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे पीछे? हाँ, क्वालिटीज नहीं, लैक ऑफ पर्सनालिटी तो था, बट किसके अंदर घटता? क्वालिटीज आर रिक्विजिट ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर। ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर, तो एक अच्छे अनुदेशक के क्या गुण होते हैं या होने चाहिए? तो दो तरह के गुण हमने जैसा बताया था पिछले क्लास में, डिस्कस किया, आपने लिखा भी होगा, तो कुछ इसेंशियल क्वालिटीज एंड डिजायरेबल क्वालिटीज। तो इसेंशियल क्वालिटीज पांच हमने बताया था आपको, याद है कुछ? व्हाट इज द इसेंशियल क्वालिटीज? कुछ तो देख लिया करो पीछे भाई, हाँ बताओ आप। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ दो, वोकेशनल ट्रेनिंग, तीन, हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। चौथा एक और रह गया, एडवांस कोर्सेज, हाँ, और एक वो तो बता दिया इन्होंने, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का कोर्स आप कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। चलिए पांच हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी कुछ बताए थे आपको, कि जो एज ए टू बिकम ए इंस्ट्रक्टर दिस इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी, कि एक अनुदेशक बनने के लिए ये जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वोकेशनल कोर्स मीन्स CTI कोर्स और डिप्लोमा या डिग्री कोर्स, देन CITS कोर्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड तो ये जो हैं जरूरी है टू बिकम ए इंस्ट्रक्टर्स। एडवांस कोर्सेज बाई NSTI जो चलते हैं कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, बट टू बिकम ए इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर सर्टेन क्वालिटीज आर आल्सो डिजायर एंड दैट क्वालिटीज आर नोन एज दी डिजायरेबल क्वालिटीज। तो डिजायरेबल क्वालिटीज भी मैंने आपको बताया था, जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ड्रेस एंड अपियरेंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रेड, डिजायर टू टीच, मेंटल एटीट्यूड्स, यानी हाँ वही मेंटल एटीट्यूड के अंदर आता है मोटिवेशन के पार्ट्स, डिजायर एंड टीच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए,
तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्वालिटीज तो ठीक है, कुछ एडिशनल क्वालिटीज भी इंस्ट्रक्टर्स में होनी चाहिए। तो एडिशनल क्वालिटीज जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्टर इज ए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन एनी एजुकेशन। इंस्ट्रक्टर आर टीचर, जो भी आप कहें कि अनुदेशक या शिक्षक, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो होता है किसी भी शिक्षण कार्य के लिए, और विद्यार्थियों के ऊपर उसके व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दी नेचर एंड लर्निंग ऑफ दी ट्रेनिस। दे आर इंस्पायर्ड बाई द इंस्ट्रक्टर्स, दे कंसिडर इंस्ट्रक्टर एज एन आइडियल एंड ट्राई टू फॉलो ही। तो इंस्ट्रक्टर्स को भी अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में, अपने दृष्टिकोण में कुछ न कुछ सुधार और कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश अवश्य करना चाहिए। हमेशा उसे कोशिश करना चाहिए कि ठीक है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ही विद्यार्थियों के ज़्यादा करीब रहता है। तो इम्पैक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज वेरी डीप एंड लास्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अनुदेशक ही विद्यार्थियों के अधिकतर नज़दीक रहता है, तो अनुदेशक के व्यक्तित्व का प्रभाव विद्यार्थियों पे अधिक पड़ता है और वो ज़्यादा समय तक भी रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि अनुदेशक कुछ एडिशनल क्वालिटीज भी, कुछ व्यक्तित्व की अलग विशेषताएं भी अवश्य ही डेवलप करे। तो ये एडिशनल क्वालिटीज क्या हैं? एडिशनल क्वालिटीज में पहला है फिजिकल क्वालिटीज। हम कोशिश करेंगे आज इसको ख़त्म करें। फिजिकल क्वालिटीज कुछ उसमें होना चाहिए, मेंटल क्वालिटीज, नहीं नहीं ये तो एडिशनल क्वालिटीज में बता रहा हूं। अच्छा, मैंने पहला पर्सनल लिखाया है, कोई बात नहीं, ये मैंने लिखवा दिया था। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैंने लिखवा दिया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पहला तो फिजिकल ही है, पर्सनल कहाँ है? पर्सनल तो लास्ट में है ना, चौथा फिर आपने पर्सनल। हाँ, चार क्वालिटीज हैं, फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड पर्सनल। ये चार क्वालिटीज एडिशनल क्वालिटीज के रूप में हम जानते हैं या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए अब इसका थोड़ा सा फिजिकल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। फिजिकल क्वालिटीज क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फिजिकल क्वालिटीज? तो फिजिकल क्वालिटी में पहला है साउंड हेल्थ। फर्स्ट इज द साउंड हेल्थ, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ये जरूरी है कि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा किसी का तो कैसे पढ़ाएगा वो। तो स्वास्थ्य अच्छा हो, और दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी कुछ क्वालिटीज या कुछ इसेंशियल जो व्यक्तित्व की क्वालिटीज होती हैं डेवलप होगी। सर्टेन क्वालिटीज कैन ओनली डेवलप व्हेन द हेल्थ इज गुड एंड इफेक्टिव। जब अनुदेशक का स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी उसमें कुछ क्वालिटीज या स्पेशल, जिसे हम कहते हैं व्यक्तित्व की जो कुछ विशेषताएं हैं, तो वो डेवलप होती हैं। वो स्पेशल क्वालिटीज क्या होती हैं? स्पेशल जैसे प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस का मतलब तत्परता, किसी कार्य को तुरंत करना, कहा गया और कर देना, आप उत्साह के साथ करना,
प्रॉम्प्टनेस यानी तत्परता, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मीन्स निरंतरता, इंथुसियाज्म, उत्साह, उत्साह, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, बैलेंस्ड बिहेवियर, लास्ट है बैलेंस्ड बिहेवियर, बैलेंस्ड बिहेवियर। और भी बहुत से होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी अनुदेशक में एक गुण होना चाहिए, बैलेंस्ड बिहेवियर यानी संतुलित व्यवहार, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, बात बात पे टेम्पर लूज नहीं करना। तो जैसे प्रॉम्प्टनेस, तत्परता, रेगुलरिटीज, निरंतरता, एंथुसियाज्म, उत्साह, कंसंट्रेशन, एकाग्रता और बैलेंस्ड बिहेवियर। अब आप अपने में सर्च करें क्या ये सब आप में है। मैं इसलिए बताता हूँ जिससे कि अगर नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करें। क्या आप में एकाग्रता है, तत्परता है, उत्साह है किसी कार्य को करने का, या अरे छोड़ो यार कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे, क्या जल्दी है। तो वो नहीं होना चाहिए। और एक व्यवहार संतुलित है, ये बहुत जरूरी है। उग्र व्यवहार ना हो, हम कहते हैं ना कि एक्शन इज बेटर देन रिएक्शन। किसी कार्य की प्रतिक्रिया मत करें। कोई कुछ कह रहा है, जरूरी नहीं कि आप हर चीज या हर कथन से आप सहमत हों, विरोध भी करते हैं, बट विरोध करने का भी एक तरीका होता है, तो प्रतिक्रिया करने का भी एक तरीका होता है, एक व्यवहार होता है बैलेंस। और अनुदेशक में तो ये जरूरी है। और ये सब तभी विकसित होंगे एक व्यक्ति के अंदर जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं होगा तो ये गुण का एक गुण विकसित नहीं होंगे। मिटा दे। दूसरा है आपका इसके बाद वॉइस, आवाज। वॉइस इज द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ जहां मैं इंस्ट्रक्टर लेता हूं। इंस्ट्रक्टर का मतलब वो टीचर भी है, ट्रेनर भी है, यानी अनुदेशक भी आप समझ सकते हैं, प्रशिक्षक भी समझ सकते हैं, अध्यापक भी समझ सकते हैं। तो वॉइस जो है एक किसी भी अनुदेशक या किसी भी शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उपकरण है या महत्वपूर्ण औजार होता है। वॉइस इज द मस्ट। तो वॉइस कैसे होनी चाहिए? वॉइस शुड बी क्लियर एंड फोर्सफुल। और तो है बट सिंपल एंड शॉर्ट में हम कह सकते हैं, स्पष्ट और प्रभावी। जो हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी इसको याद कर सकते हैं, स्पष्ट और प्रभावी। तो क्या आपकी आवाज स्पष्ट और प्रभावी है? जो आप बोलते हैं स्पष्ट दूसरा समझ जाता है। तो वॉइस एज ए इंस्ट्रक्टर आपकी क्लियर, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। वेल मॉड्यूलेटेड, वेल मॉड्यूलेटेड विथ प्रॉपर, विथ प्रॉपर टोन, टेम्पर, टाइम, विथ प्रॉपर टोन, टेम्पर, टाइम एंड असेंट, ASCENT। असेंट का मतलब होता है आरोहण। हाँ जी,
मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको, पहले आप लिख लें, वेल मॉड्यूलेटेड विथ प्रॉपर टोन टेम्पर टाइम एंड असेंट। आरोहण का मतलब एक तरह से होता है चढ़ना, जैसे पहाड़ पर होता है ना चढ़ना, तो आरोहण का मतलब चढ़ना होता है। उसी तरह से आवाज में भी एक होता है कि कोई किसी चीज को ज्यादा देरी तक उसको खींचता है, खींच के बोलता है। और असेंट्स आपका एक नैसर्गिक गुण है या एक क्षेत्रीय प्रभाव भी इस पर होता है। अगर कोई हरियाणा का यहाँ है, नहीं, अच्छा आप हैं, एक हरियाणा का जो बोलते हैं उनकी लैंग्वेज यही, उनकी लैंग्वेज देखिए, एक जो यूपी का बोलता है, इस यूपी मतलब मेरठ साइड का ऑलमोस्ट हरियाणा से मिलता है, बट ईस्टर्न यूपी जो गाजीपुर यूपी और गोरखपुर है कोई, हाँ तो उनकी भोजपुरी लैंग्वेज है। तो दोनों में उसी चीज को तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, आपका कैसे बोलोगी, आप कैसे हो, अच्छा हाँ भाई आप बोलो, कहाँ गोरखपुर वाला कौन है, कोई है इधर गोरखपुर आजमगढ़ का, हाँ भोजपुरी में कैसे बोलेंगे, अच्छा भोजपुरी आप कैसे हैं। तो देखिए दोनों में एक बोलने का जो, इसे कहते हैं एसेंट, ये होता है एसेंट, मतलब उसको आप कितना खींचते हैं, जल्दी बोल देते हैं या उसी को आप कैसे हैं, आप कैसन हैं, तो इसे कहते हैं एसेंट। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, कभी तेज कभी धीरे। तो एक वॉइस में एक मोनोटोनी नहीं, मोनोटोनी का मतलब होता है समरूपता, तो मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होने चाहिए विथ प्रॉपर टोन, यानी जो आपकी गति है टेम्पर, यानी जो आवाज है वो ज्यादा कैसी है, और टाइमिंग समय, बहुत तेज बोलते हैं बहुत धीरे बोलते हैं, एंड असेंट, तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिता दें, चलिए इसी में आगे आप लिख लें, डू नॉट बी टू हार्स, हार्स यानी कर्कश जिसे आप कहते हैं, बहुत तेज आवाज, डू नॉट टू बी हार्स, और मीक, एम ई ए की, मीक यानी दुबली पतली आवाज, यानी बहुत धीमी आवाज जिसे आप कहें, मीक उसे कहते हैं धीमी आवाज। डू नॉट बी हार्स और मीक, और मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब जैसा मैंने आपके आपको बताया समरूपता, एक समान आप चलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत तेज आवाज ना हो, कर्कश जिसे कहते हैं, या बहुत धीमी आवाज ना हो, पीछे तक सुनाई नहीं दे, और एक समरूपता ना हो, कभी धीरे कभी तेज, तो ये टीचर की आवाज या अनुदेशक की आवाज ऐसा होना चाहिए। ये आपको जब आप लेसन प्लान पर आएंगे तो उस समय ध्यान रख के आप उसको कोशिश करिए उसमें। चलिए इजिली, एंड अगला पॉइंट आप लिख लें, इजिली अंडरस्टैंडेबल, मतलब अच्छी तरह समझ में आए, इजिली अंडरस्टैंडेबल, अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। तो अनुदेशक की आवाज कैसी होनी चाहिए, क्लियर और स्पष्ट हो, वेल मॉड्यूलेटेड, एक उतार और चढ़ाव उसमें हो, उसकी गति, बोलने की गति, बोलने की तीव्रता और बोलने का समय समुचित हो, आरोहण जो किसी शब्द को कितने देरी तक बोलते हैं, तो वो आरोहण, हालांकि ये रीजनल क्षेत्रों पर निर्भर करता है, बट भी आप सुधार करें कि जो आप बोल रहे हैं वो सबको समझ में आए, प्लस ज़्यादा कर्कश न हो, ज़्यादा कमजोर न हो, मोनोटोनस न हो, ये आवाज़ की मिटा दें। चलिए आगे हम आते हैं, स्पीड यानी आपके इसी की स्पीड ऑफ योर वॉइस,
स्पीड जब आप बोलते हैं यानी बोलने की गति, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, स्पीड ऑफ स्पीकिंग जो आप बोलते हैं किस तरह से बोलते हैं, तो ये स्पीड आपकी बोलने की गति अच्छी हो, प्रॉम्प्ट हो, शीघ्र आप बोले उसे, प्रॉम्प्ट सॉरी प्रॉम्प्ट प्रॉपरली वर्डेड, एंड फ्री फ्रॉम एरर। जो बोलने की गति हो वो एक तत्परता से आप बोलें उसे, बट वो समझ में आए, जो टाइम और टोन है उसको ध्यान रखें, प्रॉपरली वर्डेड यानी जो शब्द बोलें वो उचित शब्द बोलें, व्यवस्थित शब्द बोलें और उसमें कोई गलती ना हो, शुड नॉट बी ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब अलंकृत, यानी ज्यादा अलंकृत भाषा न हो, ज्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि उपन क्या शब्द एक के साथ एक, या ऐसे कठिन शब्द आप बोलें, या एक शब्दों का जो होता है अलंकार जिसमें ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसका ध्यान रखें, सिंपल आप बोलें जो स्पष्ट सुनाई दे, एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर। जो गति बोलने की है उसमें कोई भाषा की त्रुटि ना हो, ग्रामर की त्रुटि यानी व्याकरण या भाषा की त्रुटि ना हो, ठीक है। तो ये तो आपकी स्पीड है, आप तत्परता से बोलें बट स्पष्ट बोलें, जो भी बोल रहे हैं कोई गलती ना हो, ज्यादा अलंकृत भाषा ना बोलें, जो समझ में आए सबके वह भाषा या उसमें आप बोलें, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, सभी यानी जो आपका ऑडियंस है यानी ट्रेनीज आपका ऑडियंस यहाँ है, तो विद्यार्थी जो भाषा समझ सकता है उस भाषा का आप उपयोग करें। आप अलंकार युक्त भाषा बोलने की बंद है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अलंकार युक्त भाषा बोलने की कोशिश न करें, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी भाषा के बाहर लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज, लैंग्वेज हमने पहले भी बताया है आपको, बट थोड़ा सा, लैंग्वेज शुड बी नेचुरल, नेचुरल सिंपल एंड क्लियर, इस बात का आप ध्यान रखें। एक बनावटी भाषा आप बोलने की कोशिश न करें, बनावटी भाषा आप बोलने की कोशिश न करें, नेचुरल आपकी जो नैसर्गिक भाषा है, जो प्राकृतिक आपकी आवाज है उसमें आप बोलें, और सिंपल यानी सरल और स्पष्ट हो, नैसर्गिक सरल और स्पष्ट भाषा में उसे आप बोलने की कोशिश करें। अब भाषा में कुछ त्रुटियां होती हैं, कोशिश करें कि वो न रहे, जैसे डिफेक्ट्स क्या भाषा के हो सकते हैं, मैंने कुछ आपको बताया था जब बैड मैनरिज्म ऑफ हम इंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे होता है स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का मतलब तुतलाना, अब जिसका ये नैसर्गिक है जन्मजात है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बट भाषा में कोशिश करें कि तुतलाने का न रहे, स्टैमरिंग। मर्मरिंग मैंने आपको बताया ही था, मंबलिंग भी बताया था, विस्परिंग भी बताया था, और
इसके आगे एक और जोड़ लीजिए, विसलिंग। तो ये भाषा की कुछ कमियां हैं, डिफेक्ट्स होती हैं, यानी स्टैमरिंग का मतलब होता है तुतलाना, मर्मरिंग यानी बहुत धीरे कान में जिसे फुसफुसाना बोलते हैं, फुसफुसाना वो मर्मरिंग होता है, मंबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, खुद अपने से बोलते रहना, मैंने बताया भी था आपको, विस्परिंग यानी फुफकारना, आवाज कुछ निकले, फुफकारना जिसे बोलते हैं, सांप जैसे फुसकारता है उसको विस्परिंग कहते हैं, विसलिंग बोले तो सीटी बजे, सीटी बजाने जैसा। तो ये सब जो कमियां हैं ये नहीं होना चाहिए, एक पीछे एक सामान्य हो। और भाषा जो है जैसा मैंने कहा, एट द लेवल ऑफ लर्नर, जो आपका लर्नर जो भाषा समझ सकता है उस भाषा पे या उस लेवल की भाषा आप बोलने की कोशिश करें। ऐसी बाणी बोल दिए मन का आपा खोए, पता है आप लोगों को, तो आगे का तो पता ही है, तो कोशिश करिए। तो वो भाषा है जो टीचर के लिए होना ही चाहिए, कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। तो जो बड़े लोग कह गए हैं वो तो अगर हम माने तो अच्छा ही होगा। तो चलिए, ये भाषा कुछ थी जिस भाषा का हमने कहा कि भाषा। अब इस भाषा के साथ साथ, क्योंकि भाषा क्या होती है, टीचर मस्ट बी ए गुड ओरेटर, एक शिक्षक एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो ये वक्ता एक अच्छा हो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, उसकी आवाज़, उसकी लैंग्वेज और बोलने की गति, जो मैंने तीन आपको बताया, वॉइस, स्पीड एंड लैंग्वेज। इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग भी होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस उसके शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो, फॉर इफेक्टिव टीचिंग। एक प्रभावी शिक्षण के लिए, इफेक्टिव यानी प्रभावी, प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है कि आपकी भाषा, बोलने की गति और आवाज सपोर्ट करे। इफेक्टिव टीचिंग के लिए भाषा यानी लैंग्वेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लैंग्वेज, वॉइस एंड स्पीड, ये शुड सपोर्ट। सपोर्टेड बाई, यानी इसको सहयोग कहां से मिले, सपोर्टेड बाई बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज माने शारीरिक हाव भाव, और गेस्चर यानी आपकी आकृति, आप कैसे खड़े होते हैं, ये आकृति आपकी होगी, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे झुक जाएं, तो ये पोस्चर इसको बोलते हैं। और बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा में तो खैर सब आ जाता है, बट जब हम बोलते हैं उसमें, जैसे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ये भी एक पोस्चर है। तो पोस्चर एंड गेस्चर जो हमारे होते हैं, ये हमारे आवाज को सपोर्ट करें। सो ए लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर टू सपोर्ट वॉइस, आपकी आवाज में एक कुछ विनोदी स्वभाव हो जो आपकी आवाज को सपोर्ट करे। ह्यूमर टू सपोर्ट द वॉइस, आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क, आंखों का संपर्क यानी शिक्षक को विद्यार्थी क्या कर रहा है वो सबको देख सके, बट घूरना नहीं, नॉट स्टेयरिंग बट ओनली आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट का मतलब होता है आंखों का संपर्क। और रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेनिस, ये जरूरी है कि जब आप बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेनिस, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेनिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेनिस, ट्रेनिस की प्रतिक्रिया क्या है,
उसको आप ध्यान रखें और उसके अनुसार आप बढ़ें। अगर ये सब आप कहेंगे तो आपकी आवाज़, आपकी गति और आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो मस्ट बी सपोर्टेड, उसको ये सपोर्ट करे, एक तरह से ये सपोर्ट करे। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना है क्या? ह्यूमर मतलब विनोद, विनोदी स्वभाव, विनोदी, पहले भी लिखाया है इसको, विनोदी स्वभाव। ह्यूमर का मतलब होता है विनोदी स्वभाव, मतलब थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, एकदम सीरियस क्लास में नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कभी कभी बीच बीच में कुछ कमेंट्स कर दें या कोई छोटा सा जोक या कोई छोटी कहानी सुना दें, एक तरह का ह्यूमर हो जिससे क्लास का इंटरेस्ट बना रहे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल, मेंटल मैंने पहले भी बताया था कि जब एक मोमबत्ती जलती है तभी प्रकाश देती है, तो शिक्षक जब खुद तैयारी करेगा तभी प्रकाश देगा। सो अगर इंटरनली एक शिक्षक पुअर है और इंटरनली वेल इक्विप्ड नहीं है, यानी आंतरिक रूप से वो सक्षम नहीं है, तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं सकता है। तो इंटरनली पुअर यानी धन से नहीं है, इंटरनली पुअर इंस्ट्रक्टर इंटरनली पुअर का मतलब हो गया कि आंतरिक रूप से यानी मानसिक रूप से जो खुद ही सुदृढ़ नहीं है, इंटरनली कैन नॉट इग्नाइट द ट्रेनिस, इग्नाइट यानी प्रज्वलित करना। आपने चंद्रयान 3 को देखा होगा, 10, 9, 8, 7 कर 0 जैसे आएगा वो इग्नाइट होके ऊपर उड़ जाता है, तो वो कहते हैं इग्नाइट होना, उठना। तो जो अनुदेशक स्वयं भी मानसिक रूप से सशक्त नहीं है, वो विद्यार्थियों को उस प्रकार के शिक्षण या उस प्रकार की प्रेरणा या विद्यार्थियों में एक उत्साह, उमंग नहीं भर सकता है। तो ही शुड है मेंटली क्या होना चाहिए उसको, ही शुड नो द साइकोलॉजी, नो द साइकोलॉजी नो द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इसके बाद अगला चैप्टर आपका है, वहाँ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सीखने का सिद्धांत, यानी एक शिक्षक को पता होना चाहिए, एक अनुदेशक को पता होना चाहिए कि सीखने के क्या सिद्धांत हैं, किस प्रकार विद्यार्थी अच्छी तरह सीखता है, क्या सीखने के सिद्धांत हैं, उसका वो अनुसरण करे या पालन करे और उसके अनुसार चलने की कोशिश करे। ठीक है, मैंने पहले भी आपको उसमें भी एडिशनल क्वालिफिकेशंस में बताया है, तो ज़्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट 2-3 पॉइंट्स हैं कि जैसे खुद वो मेंटली सशक्त बने, खुद वो पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे, तभी वो विद्यार्थियों को भी ज्ञान दे सकता है। किस तरह से विद्यार्थी सीखता है, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग क्या है, उसकी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है, कुछ सिद्धांत हैं वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम आते हैं उसका नेक्स्ट है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल या मॉरल क्वालिटीज। मॉरल क्वालिटीज में पहला है फेयरनेस एंड जस्टिस, फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। एक शिक्षक के अंदर यह अवश्य होना चाहिए, किस लिए, टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कैटर द कॉन्फिडेंस इन द ट्रेनीज,
अगर आप अपने विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं और कक्षा का अनुशासन बना रहे, यानी डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्डिशन कॉन्फिडेंस, अनुशासन का मतलब यह नहीं होता इम्पोजिशन, बल्कि स्वयं से जो आए, अंदर से आए अनुशासन कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में अलार्म लगाए, बज रहा है तो हाथ से बंद किया उसको, फिर सो गए, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन आए और अनुदेशक को भी विद्यार्थियों में एक अनुशासन की भावना और उनके आंतरिक सेल्फ कॉन्डिशन यानी आत्मविश्वास को जागृत करने के जरूरी है कि उसके अंदर फेयरनेस और जस्टिस हो, निष्पक्षता और न्याय हो। रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्न्ड बाय रिमेनिंग जस्ट एंड फेयर। जस्ट यानी निष्पक्ष, फेयर यानी न्यायप्रिय। एक अनुदेशक सबके लिए एक समान रहते हुए ही सम्मान प्राप्त कर सकता है, ये जरूरी है। चलिए, ये तो उसकी एक क्वालिटी हो गई। इसी में दूसरी क्वालिटी, बस सिंपल जस्ट, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप लोगों को पता ही है। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार करें। गुड कंडक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है स्व जागरूकता, यानी जागरूक रहे कि हमारे ट्रेड में क्या नए डेवलप हो रहे हैं, परिवेश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों को क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो स्व जागरूकता। काइंडनेस, दयालुता का भाव, काइंडनेस यानी दयालु, दयालुता का भाव होना चाहिए। काइंडनेस एंड सिंपैथी, सहानुभूति होनी चाहिए। अब सिंपैथी और इम्पैथी दो चीजें होती हैं, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, सिंपैथी और इम्पैथी। बट यहाँ पर कि एक शिक्षक का ये मॉरल क्वालिटीज होना चाहिए कि उसमें दयालुता का भाव हो, सहानुभूति का हो, यानी किसी कोई परेशानी में है तो कम से कम अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उस पर हंसिए मत, सहानुभूति दिखाइए और कुछ अच्छे वर्ड्स कहिए उसके लिए, तो वो भी एक तरह का एक कुछ अच्छे वचन होते हैं, अच्छा वचन होता है। और शोइंग पॉजिटिव गेस्चर, ये भी उसके पार्ट्स होते हैं। तो ये कुछ उसके फेयर एंड जस्ट, गुड कंडक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, काइंडनेस, सिंपैथी, ये उसकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं या मॉरल क्वालिटीज़ हैं। नैतिकता का जो बोध होता है तो नैतिक रूप से उसे होना चाहिए। चलें आगे, अब पर्सनल क्वालिटीज, कुछ व्यक्तिगत गुण होना चाहिए। पर्सनल क्वालिटीज व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ होने चाहिए। पर्सनल क्वालिटीज में हैबिट जैसे होती है आदत, अब हैबिट में आपको पंचुअलिटी यानी समयबद्धता, कोऑपरेशन, कोऑपरेशंस, पंचुअलिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी लगन, जिसे कहते हैं लगन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी मतलब निरंतर, रेगुलरिटी जिसे कह लें, तो कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी एक तरह यानी निरंतर लगन करने का भाव हो,
एक अच्छी आदत है कि शिक्षक में एक निरंतर, तो ये कुछ मैंने लिखा है जैसे पंचुअलिटी, पंचुअलिटी का मतलब समयबद्धता, कोऑपरेशन यानी सहयोग का भाव हो, दूसरे को सहयोग करें आप, कंसिस्टेंसी लगन का भाव यानी जहां भी हो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं लगन और मेहनत से करें, परसिस्टेंसी को आप, परसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता, और परसिस्टेंसी के साथ ही एक आता है परसीवरेंस, ये सब गुण है, इसलिए मैं लिखा देता हूं कि आप इसमें से चार पांच में से छह में से दो तीन तो आप याद रख कर लें, तो और ये सब है कोशिश करें कि आप परसीवरेंस का मतलब मेहनत करना, परसीवरेंस, पेशेंस एंड परसीवरेंस, देखिए सब हैं, ये सब अच्छे गुण हैं, जैसे पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, परसीवरेंस का मतलब होता है मेहनत, परसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता, कंसिस्टेंसी लगन, आप में लगन का भाव है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं, अंदर से भाव तो उत्पन्न होता है कि यार मैं करूंगा, बट आप मेहनत नहीं करते हैं तो वो रह जाएगा, और मेहनत के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है, तो धैर्य अगर नहीं है तो भी वो संभव नहीं है कि आप कोई कार्य एक दिन में नहीं होता है, हम कहते हैं ना एक दिन में कुछ नहीं होता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक कहावत है ना हिंदी में, क्या कहावत है इसकी, हाँ? नहीं नहीं वो तो ठीक है वो तो अलग बात, बट मैंने एक कहा था रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये इंग्लिश की कहावत है, मुहावरा है, एक हिंदी में इसका क्या रूपांतरण है, हिंदी में इसे किस है? नहीं यार वो अलग है, नहीं वो तो ठीक है गलत नहीं है सब कुछ सही है, बट मैं इस मुहावरे को जानना चाहता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मुहावरा क्या है हिंदी में, हथेली पे दही नहीं जमती है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये इंग्लिश में कहावत है उसकी, और हिंदी में है कि हथेली पे दही नहीं जमती है, वही मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता है, समय के साथ ही होता है, बात वही है, तो ये कुछ गुड हैबिट्स हैं जो सब में होनी चाहिए, केवल अनुदेशक में नहीं, बट अनुदेशक में तो जरूर हो, अच्छा है, लगन मेहनत, तो और तुलसीदास जी ने भी कहा है धीरज धर्म मित्र अरुणारी, पढ़ते नहीं कोई रामायण लगता है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिय उचारी, कि मतलब जब आप में विपत्त आती है, जब कोई संकट आता है तो संकट के समय इस चार की परीक्षा होती है, धीरज यानी आपका धैर्य, धर्म आपकी धर्म कि धर्म के प्रति कितने आप आस्था रखते हैं, मित्र आपके असली दोस्त कौन है, और नारी आपकी पत्नी या पति जो भी है, तो इस चार की परीक्षा कब होती है, जब विपत्ति आती है, तो ये अच्छे गुण हैं। चलिए उधर नहीं जाएंगे, हमें आज खत्म करना है, अब बहुत कमी जो है उसको पूरा करना है एक दिन का, ठीक है, एक गुड हैबिट्स आप में आना चाहिए, इसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व क्षमता का यानी टू स्टार्ट द डिस्कशन एज ए टीचर, स्टार्ट द डिस्कशन, किसी भी परिचर्चा को शुरू करने की क्षमता, आप में योग्यता हो कि आप परिचर्चा को शुरू कर सकें, तो स्टार्ट द डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन हो उसे आप स्टार्ट करें, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, टू इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट रूल्स विदाउट डिस्ट्रेस, ये
स्टेस का मतलब कलह, बिना कलह के नियम को लागू करना, यह भी लीडर की क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी जिसे हम कहते हैं। बिना कलह के किसी नियम को लागू करना एक तरह की यह भी क्वालिटी है कि इंप्लीमेंट रूल्स विदाउट डिस्ट्रेस, ये उसकी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, चलिए अगला। अगला इसमें है लीडरशिप के बाद होता है एज ए टीच, एज ए इंस्ट्रक्टर क्लास रूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट नेवर एड्रेस, नेवर एड्रेस द क्लास, नेवर एड्रेस द क्लास रूडली, रूडली यानी अभद्र, अभद्रता, कभी कक्षा को अभद्रता से संबोधित न करें। नेवर एड्रेस द क्लास रूडली, कभी भी कक्षा में मतलब अभद्र व्यवहार न करें, अभद्र भाषा का इंस्ट्रक्टर को एटलीस्ट प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, नेवर इंसल्ट एनी ट्रेनीज, नेवर इंसल्ट एनी ट्रेनीज, किसी भी प्रशिक्षणार्थी का कभी भी अपमान न करें। डू नॉट सिट ऑन टेबल, पढ़ाते समय टेबल पर न बैठें, और भी बहुत हो सकता है, बैड मैनर्स में मैंने लिखाया है, बहुत कुछ लिखाया है। तो क्लास को कभी रूडली यानी अभद्रता की तरह अभद्र व्यवहार के साथ संबोधित न करें। किसी भी, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, रेस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, सभी का अपना एक व्यक्तिगत सम्मान होता है और उसे सभी को सम्मान करना चाहिए, सबका एक सम्मान होता है। और शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय या कोई भी डिस्कशन करते समय टेबल पर बैठने से अवॉइड करना चाहिए। क्लासरूम या क्लास कंट्रोल आप कह लें इसको, सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्लास एंड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। एक अनुदेशक का सफल शिक्षण तभी होता है जब उसके क्लास का अनुशासन बना रहे, डर से नहीं प्यार से, उसके अपने शिक्षण शैली से वह अनुशासन बना रहे। आई शुड मेंटेन द क्लासरूम डेकोरम, जिसे कहते हैं कि क्लास का एक जो प्रकृति होती है वो बनी रहे, और क्लास में एक डायनेमिक एनर्जी हो, सभी पढ़ना चाहें, सभी बोलना चाहें, डर ना हो, प्रश्न पूछना चाहें या प्रश्न पूछें, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये, इसे हम कहते हैं गुड क्लासरूम कंडक्शन, आगे आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासरूम कंट्रोल में सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर हैंडलिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटीज एंड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। ट्रेनिंग एक्टिविटीज प्रॉपर हो, एंड डिसिप्लिन बनी रहे। दो चीज मेन है कि अनुशासन कब बना रहेगा, जब शिक्षण आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक अनुशासन बना रहेगा, और ट्रेनिंग एक्टिविटीज यानी सभी एक समान रूप से प्रश्न पूछें, जब उनको कुछ समझना है तो प्रश्न पूछें, शिक्षक भी प्रश्न पूछे, विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर दें, यानी टू वे कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जो भी होती हैं ये टू वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हमेशा बना रहे, इसका हम ध्यान रखें। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम बताएं।
व्यक्तित्व का हमने बात किया, तो पर्सनल क्वालिटीज में व्यक्तित्व भी आते, और शिक्षक का व्यक्तित्व खुद एक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है जिसका वो अनुपालन करें। यानी आप समय पर आइए, जो मैंने बताया आपको अभी इसके पहले जो क्वालिटीज़ हैं, आप में पंचुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तो अगर वो क्वालिटी है तो ऑटोमेटिक कोई भी क्लास हो। एक दो बच्चे होते हैं, हर जगह है, काबुल में गधे भी होते हैं, तो एक दो तो हर जगह होते हैं, इसमें भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहता हूँ कि सभी सपोर्टिव हैं। कुछ बैठे सोच रहे होंगे यार कहाँ आके बोर कर जाते हैं एक डेढ़ घंटे हमको, ये तो ऐसा भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। बट मेजोरिटी किधर है भाई, बहुमत किधर है, क्या वो चाहते हैं, तो क्लासरूम ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाए, नॉट ओनली मुजफ्फरनगर, कहीं भी, किसी भी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, क्लासरूम कंडीशंस तो यही कहते हैं। और आप नेट पर भी सर्च करें, गूगल में सर्च करें, तो आपको यही क्वालिटीज मिलेंगी एक शिक्षक, क्योंकि क्लासरूम का जो होता है, मैंने पहले दिन आपको कहा था कि टीचिंग आपकी इफेक्टिव कब होगी, जब दो चीज़ें होगी, दो चीज़ों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, आपका टेक्निकल नॉलेज और दूसरा टीचिंग का, सब भूल जाते हो भाई, कुछ तो याद करो, टीचिंग स्किल, टेक्निकल नॉलेज एंड टीचिंग स्किल। आपके पास नॉलेज अच्छा है, लेकिन उस नॉलेज को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो तरीका है, जो माध्यम है, वो आपके पास नहीं है, तो भी टीचिंग अच्छी नहीं होगी। आपके पास टीचिंग स्किल है लेकिन नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप क्या देंगे। इसलिए दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नॉलेज एंड स्किल। इसलिए हमारा वोकेशनल एजुकेशन ही डिपेंड करता है कास्ट पे, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, यानी के एन एस, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ के एन एस मेक यू सी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट यानी प्रवीण, प्रवीण आप तभी होंगे जब आपके पास ज्ञान हो, ज्ञान या दक्षता हो, किसी भी जिस विषय में आप पढ़ा रहे हो, जिस विषय के भी आप शिक्षक हैं, तो उस विषय का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, उस विषय की आपके पास कौशल यानी दक्षता होनी चाहिए, और जब इन दोनों का, और इसके साथ साथ ये तो आपका ट्रेड का नॉलेज हो गया, इसके साथ साथ टीचिंग स्किल जो यहाँ बताया जाता है आपको, तो टीचिंग स्किल और टेक्निकल स्किल दोनों का जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा तो क्लास आपका वैसे भी इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैं एक डेढ़ दो घंटे अब मजबूरी है क्लास लेता हूँ, नहीं तो इस बीच में कुछ चार्ट, कुछ ट्रांसपेरेंसी यानी टीचिंग एड्स दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल वन सेंस काम करता है, मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, या मैं कुछ लिख देता हूँ तो आप लिख लेते हैं, ये आइडियल टीचिंग नहीं है, बट ठीक है, हमारा एक है यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे के इधर उधर की बातें करें हम, जिससे एक एटमॉस्फेयर क्लास का बना रहे, ठीक है। तो मेन चीज ये है, अगर टीचर के अंदर क्वालिटीज है तो उसका क्लास अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, और ही विल मैनेज द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। यहां तो हमने 2007-08 में इंस्ट्रक्टर्स आते थे, आईटीआई के जो 8-8, 10-10, 12-12 साल के इंस्ट्रक्टर्स होते थे, यूपी के और यूपी के, उत्तराखंड के, हरियाणा के और पंजाब के, चार स्टेट के इंस्ट्रक्टर्स आते थे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, वो तो टेस्ट करने की कोशिश करते थे, मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आगे का पूछेंगे, कुछ अलग पूछ देंगे, सर ये बता दो आज, तो दो दिन, तीन दिन, चार दिन वो टेस्ट करते हैं कि इनका क्या नॉलेज है, एक हफ्ते तक इधर उधर घुमाएंगे, क्योंकि उनको बैठने की आदत नहीं है, और मैं 9 बजे से लेके 1 बजे तक बीच में एक आधा घंटे का ब्रेक देता था, 3.5-4 घंटे का रेगुलर क्लास, थियरी क्लास चलता था और सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल, तो एक हफ्ते के बाद फिर वो लाइन पर आ जाते थे। तो डिपेंड्स करता है टीचर की क्वालिटी पे, कि टीचर की क्या क्वालिटी, क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, पढ़ाने का क्या तरीका है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम आते हैं, इसी का पार्ट है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर हमने अगले भी आगे भी बताया था, मतलब पीछे भी आपको बताया है व्यक्तित्व, तो कुछ क्वालिटीज होती हैं व्यक्तित्व की,
क्या क्वालिटीज एज ए इंडिविजुअल में होनी चाहिए व्यक्तित्व में, तो व्यक्तित्व की कुछ क्वालिटीज हैं, पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज हैं, यानी पर्सनालिटी ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, बट लिखा दूंगा और हिंदी इंग्लिश में लिखा दूंगा, हिंदी भी बता दूंगा, और वो होना चाहिए। तो पर्सनालिटी में पहला ही होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी स्वनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अपने मन पर नियंत्रण रखिए। एज ए टीचर तो जरूर बहुत जरूरी होता है कि वो अपने ऊपर नियंत्रण रखे। सेल्फ कंट्रोल, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब होता है किसी यथार्थता, यथार्थ रूप में किसी काम को करना। सिंसियरिटी, कैरेक्टर, चरित्र आपका बहुत जरूरी है। कैरेक्टर इज द हॉलमार्क ऑफ पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। चरित्र आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है, तो आपके व्यक्तित्व को आपका चरित्र बताता है। इसलिए कोशिश करें चरित्र कैसा होना चाहिए। अब हम आएंगे कभी तो डिस्कस करेंगे, आगे भी आएगा कैरेक्टर। कैरेक्टर, कर्टेसी, सज्जनता, सज्जनता, सज्जनता बहुत जरूरी है। कभी कभी हो सकता है कि आपके, कहते हैं ना, एक कहावत है कि आपके व्यक्तित्व का मापन आपके संसर्ग में रहने वाले आपके साथियों से किया जाता है, आपके मित्रों से किया जाता है। आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो उनका आचार विचार देख के आपके व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है कि आपका व्यक्तित्व क्या होगा। अगर कोई दारू पीता है और शाम को, तो उसका दोस्त भी होगा तो दारू पिएगा ही, रेयर होगा कि न पिए। खैर चलिए, तो इसलिए कर्टेसी, सज्जनता, कर्टेसी का मतलब सज्जनता, सज्जन तो नहीं, सज्जनता, कर्टेसी। विजडम, बुद्धिमत्ता, हाँ जी, नहीं विजन तो अलग है, विजन है, ये विजडम है, सॉरी DOM, विजडम, विजडम यानी बुद्धिमत्ता। अब नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? चलो कल आप इसको पढ़ के आना कहीं से, फिर मुझे बताना कि नॉलेज और विजडम में, एग्जाम्पल के साथ, कि नॉलेज एंड विजडम में क्या फर्क है। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को होना चाहिए, बट ओवर एम्बिशन नहीं हो, कि जो आप अपने मेहनत से, लगन से, आपके एक बुद्धि की सीमा होती है, तो उन सब का आकलन करके आप क्या कर सकते हैं कोशिश करें। तो सेल्फ कंट्रोल, सिंसियरिटी, कैरेक्टर, कर्टेसी, विजडम, एम्बिशन, हो गया, मिटा दे इसको, लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी वफादारी, जिसके भी प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति, जिसके भी प्रति, एक यानी जो भी है उसके साथ आप अच्छा आचरण करें, व्यवहार करें, वफादारी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब
सत्य निष्ठा, जिस संस्थान है संस्थान के प्रति एक सत्य निष्ठा बनाना, एक इम्प्लाइज के लिए एक्चुअली अप्लीकेबल होता है, बट एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी हो जाता है कि हमेशा ईमानदारी के साथ जो काम दिया जाए उस काम को हम ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करें, यानी सत्य निष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए, एक सत्य निष्ठा हो। इम्पार्शियलिटी तो पहले भी मैंने बताया था आपको, निष्पक्षता जिस अभी बताया ही था इसको, और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ये हमारे पर्सनल गुण व्यक्तित्व के हैं, इंस्ट्रक्टर्स में होने चाहिए या सभी ह्यूमन बीइंग में, ये कुछ और बहुत से हैं बट ये मेन है, जो अगर आप कोशिश करें कि इसमें से क्या आपके पास है क्या नहीं है, तो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं इस पर आप कोशिश करें, ठीक है। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है? डाउट तो नहीं होगा इसमें, क्या पूछना होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। एक प्रश्न कभी कभी आता है, प्री रिक्विजिट, मैंने रिक्विजिट बताया था, प्री रिक्विजिट का अभी तक मैंने जो भी आपको क्वालिटी बताया, इसेंशियल क्वालिटीज, डिजायरेबल क्वालिटीज और एडिशनल क्वालिटीज जो भी बताया, उन सब का एक सार अगर आप कहें संक्षेप में, सब कुछ एक साथ आप मिला दें तो वो प्री रिक्विजिट हो जाता है, पूर्वपेक्षा जिसे हिंदी में कहते हैं। मैंने आपको लिखाया भी था उसमें पूर्वपेक्षा, ये कभी कभी आता भी है कि एक अनुदेशक अपने पूर्वपेक्षा को किस प्रकार डेवलप करे क्या करे, तो कुछ पॉइंट्स हम इसमें पूर्वपेक्षा में देख लेते हैं। और ये पीछे की जितने भी क्वालिटीज हैं सबको अगर मिला दिया जाए तो एक साथ ये पूर्वपेक्षा हो जाता है। तो पहला क्या होना चाहिए, पहला तो ये है रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए उसमें, टू बिकम रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, उसके अंदर एक रिक्विजिट यानी जो आवश्यक योग्यता है वो तो होनी ही चाहिए। इफेक्टिव कमांड ऑन लैंग्वेज, कहीं ना कहीं पीछे का जो भी क्वालिटीज है कहीं कहीं वो रिपीट हो जाएगी, यानी इफेक्टिव कमांड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर प्रभावी नियंत्रण, भाषा यानी जो बोल रहे हैं भाषा पर प्रभावी नियंत्रण, सॉरी प्री है ये, पर नहीं है, पी आर ई, इसको आप चेंज, पी आर ई प्री है ये, पी ई आर नहीं, पी आर ई, भाषा पर प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन। तीसरा नॉलेज ऑफ ट्रेड, अभी जैसा मैं कह रहा था कि व्यवसाय का ज्ञान अवश्य हो, सर्टिफिकेट अलग बात है, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना अलग बात है, लेकिन कॉम्पिटेंसी ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना वो अलग है। तो यहाँ हम वास्तविक ज्ञान उस व्यवसाय का होना है कि नहीं वो हम देखते हैं, वो उस व्यवसाय का वास्तविक ज्ञान उसका है कि नहीं। रिलेट टीचिंग विथ इंस्ट्रक्शन, रिलेट टीचिंग विथ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षण को अनुदेश के साथ मिलाना, यानी अनुदेश के अनुसार शिक्षण करना,
अनुदेश के अनुसार शिक्षण करना, रिलेट द टीचिंग विथ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश के अनुसार ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं अनुदेश के अनुसार शिक्षण करना, अनुदेश के अनुसार जो है उसमें लिखा हुआ उसके अनुसार उसको शिक्षित करना चाहिए। नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बहुत जरूरी है। मानवीय मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब यानी शिक्षक को अनुदेशक को मानवीय मनोविज्ञान का ज्ञान हो, मानवीय मनोविज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। बिता दे इतना, चले आगे, चलिए आगे है रिमेंबरिंग और रिकॉलिंग, यानी याद करने की क्षमता, जो कुछ भी याद किया उसे रिकॉल करने की क्षमता, याद करने की क्षमता एक शिक्षक में होना चाहिए कि जो कुछ भी उसके ज्ञान है उसको रिकॉलिंग पावर या ऐसे हम रिमेंबरिंग पावर भी कहते हैं, रिकॉलिंग पावर या रिमेंबरिंग पावर। स्ट्रांग डिजायर टू डेवलप, ये बहुत जरूरी है, स्ट्रांग डिजायर टू डेवलप प्रोफेशनली, पर्सनली तो डेवलपमेंट होता ही है, यानी व्यक्तिगत विकास आपका, वो पर्सनालिटी जो मैंने बताया वो व्यक्तिगत विकास में आता है। प्रोफेशनली यानी व्यावसायिक रूप से, आप शिक्षक हैं, किसी ट्रेड के शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, तो व्यावसायिक रूप से विकास करने का तीव्र इच्छा, व्यावसायिक विकास की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, व्यावसायिक विकास की तीव्र इच्छा, एक तीव्र इच्छा हो। आगे आप लिख लें, एडॉप्ट स्किल एंड नॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेनिस, यानी विद्यार्थी और शिक्षण की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान और दक्षता प्राप्त करें, विद्यार्थी और शिक्षण की आवश्यकता, ट्रेड और ट्रेनिंग, अपने जो उसका ट्रेड है और जो विद्यार्थियों की आवश्यकता है उसके अनुसार, तो व्यवसाय और विद्यार्थियों की आवश्यकता, ट्रेड यानी व्यवसाय।